गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. और आज है ट्यूसडे, सुबह के 9:45 बज गए हैं. तो नाश्ते में आज मैंने बनाई है सेवई. सेवई मुझे आजकल बहुत अच्छी लगती है. यहाँ वाली सेवई ना बहुत ही अलग टेस्ट आ रहा है इसका, और ये बहुत अच्छी लग रही है. जब हम दिल्ली में रहते थे ना बचपन में, तो मम्मी वहाँ बनाती थी सेवई की खीर, तो सेम वही टेस्ट आ रहा है. तो नोनी के लिए भी मैंने जैगरी पाउडर मिला के वही बनाया ब्रेकफास्ट में, और मैं भी वही खाऊंगी ब्रेकफास्ट में, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ. आज मैं 8 बजे उठी और जस्ट अभी नहा के आई हूँ मैं. और बारिश वाला वेदर हो रहा है अभी, आप सबको पता ही है सभी जगह बारिश हो रही है. MP में भी बहुत बारिश हो रही है, हमारे उत्तराखंड में भी बहुत बारिश हो रही है. और नोनी यहाँ पे खेल रहा है, तो कपड़े वगैरह वॉश हो चुके हैं. सबसे पहले पेट पूजा कर लेते हैं. और आज मिस्टर रावत आएंगे, लेकिन वो देर रात तक ही आएंगे, क्योंकि आज उनकी लेट मतलब रात की फ़्लाइट है. बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि जब वो रात को आएंगे. रात की फ़्लाइट वो लेते नहीं है यूजुअली, लेकिन आज उनका टाइमिंग ही ऐसी हो गई, फ़्लाइट ही इस टाइम पे मिली, तो उनकी रात की फ़्लाइट है. मे बी मतलब 12-1 बजे के बाद ही पहुँचेंगे रात को. ये देखो हमारे घर का डाकू, इसको आजकल मतलब ना फ्रिज खोलने की धुन चढ़ गई है, और इसने आजकल फ्रिज खोलना सीख लिया है. इसमें लॉक वाला सिस्टम नहीं है. हमारा पुराना वाला जो फ्रिज था रेड कलर का, उसमें लॉक वाला सिस्टम था. अगर इसमें भी होता ना तो कितना अच्छा होता. बार बार फ्रिज खोल रहा है, बार बार उसमें से टमाटर निकाल के सब्जियाँ निकाल के फेंक रहा है. और वैसे भी इसको कोल्ड है अभी, फीवर वगैरह ठीक है, कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम है. इसके लिए मेरे पास कफ सिरप पहले से रखा हुआ था इसका, जो देहरादून वाली डॉक्टर ने लिखा था, मैं वही उसको दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ डॉक्टर ने कफ सिरप नहीं दिया था. इस टाइम पे उसको कफ नहीं था, सिर्फ कोल्ड था. तो कोल्ड भी है अभी, तो हमें जाना है डॉक्टर के पास लेके. इसका यूरिन टेस्ट भी चेक मतलब यूरिन टेस्ट भी करना है. तो मिस्टर रावत कल आ जाएंगे, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कल ही कराएंगे सैंपल टेस्ट वगैरह, और उसके बाद एक विज़िट हमें और लेनी है डॉक्टर की. आज मतलब मन नहीं कर रहा था ब्लॉग करने का, क्योंकि कल क्या हुआ, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, उसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी. और दिन में सोने की कोशिश कर रही थी, नोनू ने मुझे सोने नहीं दिया. ये भी थोड़ा ही सोया है, थोड़ी देर सो के उठ गया था, उसके बाद ये खेल ही रहा है जब से, कंटिन्यू इधर से उधर भागा जा रहा है. तो इसलिए अब मैं सबसे पहले चाय बना रही हूँ. अभी शाम के जो है 5-5:30 हो गए हैं आई थिंक. अभी तक तो मेरा खाना भी बन जाता, लेकिन आज कुछ भी नहीं हुआ है. मैं सोने की कोशिश कर रही थी 2-3 घंटे से, लेकिन सो नहीं पाई. तो मैंने सोचा अभी चाय बना लेते हैं. नोनू को मैंने मैंगो शेक बना के पिलाया है, तो मैंगो उसको डायरेक्ट नहीं दे रही हूँ, मैंगो शेक वगैरह बना के मैं कभी कभी इसको दे देती हूँ. फिर मेरे पास जो ये बास्केट रखी हुई थी, और इसमें कुछ सामान अभी मैंने एक्स्ट्रा रखा नहीं है, ये खाली है. तो नोनू इसको निकाल के बार बार फिर इसके साथ खेलता रहता है, इसके सारे अटैचमेंट निकालेगा और यहाँ से वहाँ इसको स्लाइड करके ले जाएगा. तो इसका ना बड़ा अच्छा टाइम पास होता रहता है इसके साथ. तो यहाँ पे सबसे पहले एक कप चाय बन गई है, क्योंकि ना बिल्कुल बॉडी काम करने जैसी नहीं हो रही थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही थी. सोने को नहीं मिल रहा है नोनू के साथ, सुबह से लेकर रात तक बॉडी एग्जॉस्ट हो जा रही है. और बारिश का मौसम में हम बाहर वॉक करने भी नहीं जा पा रहे हैं, आजकल बाहर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सब जगह कीचड़ पानी बहुत हो रहा है. तो इस वजह से सिर्फ बालकनी में बैठ के चाय पियो, ठंडी हवा का आनंद लो, तो यही अच्छा लगता है. देखो आप खुद ही कि नोनी क्या काम कर रहा है. इसने पता नहीं क्या सीख लिया ये वाला स्टूल लेके ना, पहले प्लास्टिक वाला स्टूल मैं बाहर रखती थी, तो सब जगह वही स्टूल लेके लेके घूमता था, तो उसको मैंने छुपा दिया. तो अब ये वाला स्टूल सब जगह ये लेके घूमता है, और वहाँ कैबिनेट्स में, किचन कैबिनेट में भी चढ़ने की कोशिश करता है स्टूल लेके, और तो और स्टोव भी ऑन करने की कोशिश करता है, और यहाँ से ये वाले ड्रॉअर ओपन करके सारा सामान ये नीचे फैला देता है. आई डोंट नो कि मैं किस तरीके से सामान यहाँ छुपा के रखूँ. मैं गई थी नोनू को लेके सैलून, और यहाँ पे ना मतलब सोसाइटी के आसपास में ही सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे सारी चीज़ें हैं. इसी बहाने मैं मार्केट भी देख लेती हूँ, और थोड़ा सा एक्सप्लोर हो जाता है, आउटिंग भी हो जाती है, माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है. तो सैलून भी मैं देखते देखते ऐसे ही ढूंढते ढूंढते गई, तो सैलून पास में ही है. तो फिर मैं वहाँ जाके मैं थ्रेडिंग बना के लाई, और मैंने हेयर स्पा के रेट वगैरह भी पूछे. मुझे हेयर स्पा भी करवाना है, क्योंकि मुझसे बोला था उन्होंने कि 3-4 महीने में एक बार हेयर स्पा आप लेते रहना. ये वाली कैबिनेट्स जो है नोनू बहुत आराम से खोल लेता है, क्योंकि जो कॉफ़ी टेबल के स्टूल हैं वो लेके आता है, उसके ऊपर चढ़ के सारा सामान ही निकाल के फेंकता है. और मुझे अब एक एक चीज़ मैं संभालूँ ऐसा तो हो नहीं सकता, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है नोनू के साथ कभी. तो आप देख भी रहे होंगे किस तरह से वो खेल रहा है, और कैमरे में देख के बातें भी करने की कोशिश कर रहा है. तो ना मतलब सब पता है उसको, अब क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी हुई है, वो एक एक चीज़ नोटिस करता है, फिर बाद में वहीं पे जाके वो चीज़ निकालेगा.
तो फिलहाल शाम का टाइम हो गया था, थोड़ी सी देर मैंने उनको बाहर लेके आ गई थी, लेकिन ना ठंडी हवा चल रही थी तो फिर ज़्यादा देर हम लोग रुके नहीं क्योंकि सर्दी ज़ुकाम का डर रहता है। तो इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट डे में आ गए हैं, यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन रहा है। और मैं एक्चुअली बता दूँ, मिस्टर रावत रात को करीबन 1:30 बजे पहुँचे थे एयरपोर्ट से घर, उस वजह से मॉर्निंग में आराम से ही उठे हैं सब। और यहाँ पे पोहा बनाया मैंने, ये देखो नोनू के लिए क्या आया है, मिल्क वाली ग्लास। बेटा दिखाओ, और देखो मच्छर ने काट काट के यहाँ पे दाने बना दिए। तो नोनी के लिए फाइनली ये स्ट्रॉ वाली ग्लास मंगाई है स्पेशली दूध पीने के लिए, क्योंकि नोनी की बोतल की हैबिट छुड़ानी है ना। बेटा अब बोतल से नहीं पीना है, अब इसी में पीना है, ठीक है? देखो मेरी नोनी, तो मैंने ये अमेज़ॉन से मंगाया है स्ट्रॉ वाला ग्लास दूध पीने के लिए, और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था। स्टील का ग्लास है ये, और पिंक कलर का, बहुत ही प्यारा सा है। और इसमें ये लीड है, इस तरह से यहाँ से स्ट्रॉ डाल के दूध लिए, और एक लीड इस तरह से है विदाउट स्ट्रॉ वाला लीड। बेटा इसको वॉश करेंगे ना, उसके बाद पियेंगे। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था डॉक्टर ने इसके बोतल वाली हैबिट छुड़ाने को बोला है, और टचवुड जब से बीमार हुआ है तब से रात को उठता नहीं है, मतलब ऐसे नींद नहीं खुलती, उठ के नहीं बैठता, और उठता भी है तो मतलब ऐसे हाथ पैर मारेगा इस तरह से। तो पहले मैं क्या करती थी, जब इस तरह से हाथ पैर मारता था मैं इसको बोतल दे देती थी, ये पी के सो जाता था। अब मैं इसको बस हल्की सी थपकियाँ दे देती हूँ, थपकी दे के सुला लो फिर सो जाता है ये, तो इसलिए मैं रात को इसको दूध नहीं दे रही हूँ। और जब सुबह उठता है तो मैं ग्लास से दूध पिला रही थी, लेकिन आधे से ज़्यादा वो वेस्ट करता और पीता बहुत कम था, 4-5 दिन से इसने बहुत कम दूध पिया है। तो मैंने ये स्ट्रॉ वाला बोतल इसके लिए मंगाया है, ग्लास स्टेनलेस स्टील का। लेट्स सी, ट्राई करके देखेंगे। अभी थोड़ा सा दूध डाल के मैंने इसको ट्राई किया था, अभी तो शौक शौक में इसने पिया थोड़ा सा, तो देखेंगे इसे जल्दी से अगर इसकी हैबिट लग जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। तो ये काफ़ी अच्छा ग्लास है, तो ये मंगाया था इसके लिए, अभी जस्ट डिलीवर हुआ है। और अभी खाना बन रहा है मेरा, आई थिंक 12 बजने वाला है, नहीं 12:30 हो गया, काम करते करते ना पता नहीं चल रहा है। राजमा चढ़ा दिए मैंने, राजमा बॉईल होने वाले हैं, उनके लिए दाल और राइस। तो ये हमारा लंच है। हमारा एसी का जो है ना, एसी जब हम चला रहे थे बीच में, अभी तो हमने 1-2 हफ्ते से एसी चलाया नहीं है, जब हम चला रहे थे तो उसमें से हल्का सा वाटर लीकेज हो रहा था, तो अभी एसी रिपेयर करने वाले आ रहे हैं थोड़ी देर में। शाम के 5 बज गए हैं अभी, और हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी आउटिंग पे। नोनी और उसके पापा रेडी हो गए, रेडी हो गए दोनों, मैं भी रेडी हो गई हूँ, तो हम लोग थोड़ी सी आउटिंग करके आते हैं, चले बेटा। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, तो काफ़ी दिन के बाद हम लोग जो है इंदौर में फिर से आउटिंग करके आएंगे, घूम के आएंगे। नोनी को रेडी कर दिया है, नोनी के पापा रेडी हो गए हैं, और ये तो सो के उठे थे, मैं सो भी नहीं पाई आज, और वीडियो की एडिटिंग कर रही थी मैं, लेकिन पूरी एडिटिंग नहीं हो पाई। तो चलिए बाकी काम वहाँ से आके करेंगे, पहले थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके आते हैं। और जैसे ही हम घर से निकले तो यहाँ पे हल्की सी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी, और बारिश का यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ होती है, जैसे देहरादून में एकदम टेढ़ी वाली बारिश होती थी, बहुत तेज़ बारिश होती थी और एकदम से सारा पानी भर जाता था, वैसा नहीं होता है, ये अच्छी बारिश होती है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी होती है और मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे पास एक बार कमेंट आया था, आप फिनिक्स मॉल जाना, उधर नया खुला है, तो हम यहाँ आज पहली बार के नए वाले मॉल में हम लोग आए हैं अभी, फिनिक्स मॉल, और बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ से, तो यहाँ का आप दिखाएंगे, पहली बार ही आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है तो मज़ा। पहले गाड़ी पार्क करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं अंदर। पार्क हो गई है और चलते हैं, काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पे पार्किंग के लिए, तो अब चलते हैं हम लोग ऊपर मॉल में। नौनी को हमेशा गाड़ी में बैठ के बहुत मज़ा आता है, इतना खुश हो रहा था ये गाड़ी में बैठ के, उतरने को तैयार नहीं होता है बिल्कुल भी।
सैंडल्स में दिख रहे। लग रही है और मिस्टर रावत गए हैं बर्गर लेने के लिए, उनको भी भूख लग रही है। सब जगह इसने मच्छर ने काट दिया बेचारे के। नोनी को मेरा चश्मा चाहिए है ना, नहीं नहीं मिलेगा तो बर्गर आने में थोड़ा सा टाइम है, बर्गर खाने का मन कर रहा है, बर्गर खाएंगे। नो नो नो, इतनी अच्छी जगह पे आने भी आपको यही चाहिए, इसको हर जगह मेरा चश्मा चाहिए होता है। नोनी की एक्साइटमेंट, उन्होंने क्या लाया बेटा पापा आपके लिए, मजा आया। नोनू के साथ में ना बाहर कहीं पे भी खाना पीना आजकल बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ खाने पीने के लिए ज़िद करता है। तो कुछ फ्रेंच फ्राइज़ मैं उसको खिला रही थी, लेकिन उसे कोल्ड ड्रिंक पीनी थी और वो भी एकदम आइस डली हुई थी, एकदम चिल्ड वाली। तो बहुत मुश्किल से छुपा छुपा के हमने वो कोल्ड ड्रिंक पी, तो इतनी हंसी आ रही थी ना, सब लोग हमको देख भी रहे थे वहाँ पे कि हम लोग किस तरह से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो नोनी के साथ में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और जो छोटे बच्चों के साथ बाहर जाते हैं आउटिंग करने के लिए, शायद उनको एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का। तो बाहर पे हल्की सी बूंदाबांदी अभी भी हो ही रही थी, इतना अच्छा मौसम हो गया था, लोग बारिश में भीग भी रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, भीगने का मन कर रहा था, लेकिन हमें लेट हो रहा था और हम भीग भी नहीं सकते नोनू की वजह से। तो फिलहाल यहाँ का बहुत ही प्यारा सा व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हल्की हल्की सी, इतना अच्छा लग रहा है ना बारिश में। मॉर्निंग आज हो गया है थर्सडे और सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तो घर की क्लीनिंग चल ही रही थी। नोनू को माइक पकड़ना है, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है और मिस्टर रावत जिस टाइम निकले यहाँ से ऑफिस के लिए उस टाइम पे बारिश नहीं हो रही थी, और रास्ते में गए तो वहाँ बारिश हो रही है, तो वो भीग चुके हैं पूरी तरह से। और वैसे ही उनकी तबीयत सही नहीं थी, मतलब सर्दी जुकाम फीवर वगैरह था, और आज फिर से भीग गए। और रेनकोट उनका निकालना मैं भूल ही गई, और ये शिफ्टिंग के बाद पता नहीं कहाँ सामान रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो रेनकोट ढूंढना पड़ेगा। पापा का बेटा, पापा का रेनकोट ढूंढेंगे, और बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। नोनू ने क्या सामान निकाल के ना ये कैबिनेट निकाल निकाल के पूरा खाली कर दिया है, तो ये कैबिनेट मुझे ठीक करना है। किचन क्लीन हो चुका है, खाना वाना तो सब बन चुका है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। पूरा घर फैला हुआ, मतलब सफाई आप कितनी भी कर लो घर इतना फैला देता है ना नोनू, साफ़ सुथरा लगता ही नहीं है, लगता है कि कितना काम पड़ा हुआ है। तो दिन भर काम ही करते रह जाओ और घर ही समेटते रह जाती हूँ मैं। और कल मॉल से आने के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि कल भी बारिश ही हो रही थी, और एक दो चीज़ें लेके आई हूँ मैं वहाँ से। सारे काम हो चुके हैं, 11:30 बज गए, और मैं दिखाती हूँ आपको कि कल हम वहाँ से क्या लेके आए मॉल से। तो एक्चुअली वहाँ पे ना एक मिस्टर DIY करके शॉप थी, वहाँ पे टॉयज़ और घर का डेकोरेशन का सामान बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा था, और मतलब प्राइस भी उसके ठीक लग रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें लेने का मन कर रहा था, लेकिन नोनू परेशान कर रहा था तो हम जल्दी आ गए। तो सबसे पहले तो मैं किचन का एक क्लोथ लेके आई हूँ, माइक्रोफाइबर क्लोथ है, इसको हम मतलब क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, अच्छा है और हल्का भी है, लाइट वेटेड है, तो वॉश करके आराम से सूख जाएगा। तो क्योंकि बरसात का टाइम है, मेरे पास जो कपड़ा है वो मैं वॉश करती हूँ, वो सूखता ही नहीं है, बहुत मोटा है तो अच्छा लेकिन बहुत मोटा है, तो ये पतला वाला लेके आई हूँ मैं। तो ये
एक लेके आई हूँ मैं किचन के लिए, और हुक्स लेके आई हूँ क्योंकि सारे हुक्स जो है मेरे वहीं रह गए थे और वो निकलते तो हैं नहीं, तो वो सब बेकार हो गए थे। कुछ मैंने निकालने की कोशिश की, सब बेकार हो गए थे, तो नए हुक्स लेके आई हूँ। चाहिए होते हैं किचन में वार्डरोब के अंदर स्पेस बनाने के लिए। और मैं अपने लिए एक टॉप लेके आई हूँ, फाइनली मुझे एक टॉप मिल गया जो मुझे पसंद आया, क्योंकि मुझे टॉप इतनी जल्दी पसंद नहीं आते। तो ये एक टॉप मैं लेके आई हूँ, ये सी ग्रीन कलर का है और अच्छा है, मतलब कॉटन नहीं है लेकिन कपड़ा इसका काफ़ी अच्छा है। मैं रिलायंस ट्रेंड से लेके आई हूँ ये फुटवेयर लेके आई हूँ। मैं फुटवेयर बहुत कम लेती हूँ, मतलब कितने सालों बाद मैंने अपने लिए फुटवेयर लिए हैं इस तरह की हील्स वाली सैंडल। तो इसको मैं मतलब सूट साड़ी वगैरह के साथ भी वेयर कर सकती हूँ, मेरे पास हील वाली कोई भी सैंडल नहीं थी। साड़ी के साथ अच्छी लगती है, और चाहो तो उसको जीन्स वगैरह के साथ भी वेयर कर सकते हो, मतलब किसी के साथ भी पहनो ये चल जाते हैं, ये मल्टीपर्पज़ होते हैं। तो ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और इसके अलावा ऑफ़र पे चल रहा था फुटवेयर भी वहाँ पे, तो डिस्काउंट के लिए उन्होंने कहा एक चीज़ और लेनी पड़ेगी, तो हमने नोनी के लिए ये लिए हैं स्लीपर्स। तो स्लीपर्स एक्चुअली नोनी के कितने स्लीपर, मतलब चप्पल ही चप्पल ले चुके हैं हम लोग, एग्जैक्ट साइज़ का कुछ भी नहीं आता है। तो ये फाइनली एग्जैक्ट साइज़ का है इसका स्लीपर, और ये काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। बैल बजी बेटा, मुझे लगता है सब्ज़ी आई है, जो मैंने सब्ज़ी मंगाई थी एक्चुअली सब्ज़ी वाला सब्ज़ी देख के किया, और काफ़ी अच्छी और फ्रेश सब्ज़ियाँ मिलती हैं वहाँ पे, तो मैं वहीं से मंगाती हूँ आजकल ज़्यादातर। और कुछ अगर बाहर जाना हुआ अच्छी सब्ज़ी मिल गई तो वहाँ से भी ले लेती हूँ, आजकल मतलब उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है सब्ज़ी लेने के लिए। तो ये कुछ छोटी सी शॉपिंग कलम करके आए, और इतना अच्छा लगा, मॉल बहुत ही अच्छा मॉल है, और बारिश में मतलब इतनी प्यारी बारिश हो रही थी, इतनी रुनझुन वाली बारिश, और उसमें हम लॉन्ग ड्राइव तो नहीं कहेंगे, उसमें हम ड्राइविंग पे गए, आउटिंग की, बहुत अच्छा लगा। कल का वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, बड़ी बात। नोनी का यूरिन सैंपल आज हमने निकाल लिया है और टेस्ट के लिए दिया है, अगर आज टेस्ट हो जाए रिपोर्ट आ जाए तो हमें डॉक्टर को भी दिखाना है। इसके यूरिन सैंपल के चक्कर में ना पूरा एक घंटा हमारा वेस्ट हो गया, हम कंटेनर लेके खड़े थे, ये यूरिन कर ही नहीं रहा था, मतलब यूरिन पास ही करने को तैयार ही नहीं हो रहा था। एक्चुअली क्या होता है, सुबह उठते उठते मैं इसको पॉट में बिठाती हूँ और पॉट में ही ये सुसु करता है, लेकिन इसने देख लिया डब्बा पकड़ के पापा खड़े हैं, तो इसने किया ही नहीं, मतलब एक घंटे तक हमको ऐसे ही खड़ा करके रखा, टाइम वेस्ट करके रखा। बहुत मुश्किल से इसका यूरिन सैंपल हम कलेक्ट कर पाए, वो भी थोड़ा सा, तो बच्चे का सैंपल कलेक्ट करना ना बहुत मुश्किल रहता है, समहाउ हमने कर ही लिया ये। तो चलिए अब मैं किचन में चलती हूँ, सब्ज़ियाँ आ चुकी हैं वो वॉश करते हैं। इसके बाद मैंने जो सब्ज़ियाँ मंगाई थी मैं उनको वॉश कर लूँगी, तो काफ़ी अच्छी तरह से वो पैक करके देते हैं, और कद्दू वगैरह हरा धनिया ये सारी चीज़ें मैंने मंगाई थी, तो पैकिंग बहुत अच्छी रहती है इनकी। तो सब्ज़ियाँ वॉश करने के बाद मैं अंदर मंदिर वाले रूम में आ गई हूँ, तो दीवान बेड जो मैंने उसमें एक्चुअली रेनकोट मुझे ढूंढना था, रेनकोट ढूंढने के चक्कर में पूरा दीवान बेड मैंने खाली कर दिया, तो आधे से एक घंटा मेरा इस चक्कर में लग गया, लेकिन इसी बहाने ना सारे कपड़े मैंने अच्छे से रीअरेंज कर दिए। रेनकोट ढूंढ रही हूँ मैं, और उनका रेनकोट तो मुझे मिला नहीं, उसी बहाने ये बेड थोड़ा सा अच्छे से रख लूँगी मैं, इसके अंदर का सामान बहुत ही ज़्यादा मतलब बिखरा हुआ था, और इसी तरह से हमने एक के ऊपर एक करके सारा सामान फेंक दिया था, और जल्दी जल्दी सारा सामान सेट करने के चक्कर में ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था। तो अभी सारा सामान मैंने नीचे निकाला हुआ है, और रेनकोट तो मुझे नहीं मिला, लेकिन फिर भी सारा सामान कपड़े वगैरह अच्छे से रख लेती हूँ। कुछ रजाइयाँ हैं, स्वेटर्स वगैरह हैं, पर्दे हैं ढेर सारे, इतने सारे तो पर्दे हो गए हमारे पास, और उन्होंने को इतना मज़ा आता है ना बेड के अंदर, आप खुद ही देख सकते हैं एग्जाम्पल तो वो बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। मैं बेड थोड़ा सा सेट कर रही हूँ अभी। ये मिस्टर रावत और मेरी नैनीताल की पिक्चर, नैनीताल गए थे हम लोग शादी के बाद, तब की फ़ोटो आई है। गुड इवनिंग, अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, और अब मैं डिनर बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने, वैसे मैंने कद्दू मंगाया था हरा वाला, लेकिन उन्होंने यही वाला पीला वाला कद्दू दिया, ये वाला कद्दू मैं पहली बार बना रही हूँ। ये व्लॉग जो है आई थिंक मैंने परसों स्टार्ट किया था, इस बीच में वीडियो की एडिटिंग वगैरह नहीं कर पा रही हूँ और ना ही व्लॉग कर पा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने की तबीयत अभी अच्छे से ठीक नहीं है, उसका कोल्ड अभी भी मतलब चल ही रहा है, तो उसकी वजह से ना उसको इरिटेशन हो रही है, थोड़ा सा क्रैंकी है, जब तक अच्छे से ठीक नहीं हो जाता तब तक थोड़ा सा परेशान तो वो रहेगा। तो अभी मतलब ठंडा गर्म हो रहा है मौसम, या एकदम से चेंज हुआ है ना, बीच में हम लोग जब आए इतनी गर्मी हो रही थी, एसी हमें लगाना पड़ा, और एसी मुश्किल से हमने 8 या 10 दिन चलाया होगा, तब से एसी बंद है, चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, तो मुझे लग रहा है एसी हमने ऐसे ही ले लिया और अब उसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अब मौसम इतना ठंडा हो गया है, तो इस वजह से ना मौसम चेंज होता है तो तबीयत ख़राब हो ही जाती है, सर्दी ज़ुकाम, तो जब तक वो अच्छे से ठीक नहीं होता है तब तक फिर मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा है इस तरह से एडिटिंग करने का। आज तो मैं सुबह से 1 मिनट का भी वीडियो एडिट नहीं कर पाई हूँ, तो
तो इसीलिए ना मैं रेगुलर व्लॉग नहीं कर पाती हूँ नोनू के साथ में, अकेले मैनेज करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, होपफुली नोनू जल्दी ठीक हो जाए, उसके बाद मैं रेगुलर व्लॉग करना स्टार्ट करूँगी। तो इसके बाद मैं डिनर बनाना स्टार्ट करूँगी। सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी, यहाँ पे फ्रेश हरा धनिया आया था, इसको मैं छान के वॉश कर लूँगी। और बस यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी बन चुकी है और बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने ये पीला वाला जो पका हुआ कद्दू होता है ना, ये पहली बार बनाया लेकिन बहुत अच्छा लगा। और कद्दू की सब्ज़ी तो मैं हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ सिंपल तरीके से, अजवाइन हींग डाल के, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे करीबन 5:30 बज गए हैं। मिस्टर रावत ऑफिस से जल्दी आ गए थे आज, क्योंकि उनकी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं लग रही थी और उनकी यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी, तो हमें डॉक्टर के पास भी जाना था। तो डॉक्टर शाम को भी मिल जाती हैं, तो करीबन 6:30-7 बजे हम डॉक्टर के पास गए और उन्हीं की टेस्ट रिपोर्ट जो है एकदम नॉर्मल आई थी। उन्होंने आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह ये सारे सप्लीमेंट्स दिए हैं। और बस डॉक्टर को दिखाने के बाद हम कुछ देर आउटिंग पे चले गए। फिर से यहाँ पे बूंदाबांदी हो ही रही थी शाम के टाइम, एक्चुअली मार्केट में कुछ काम था हमें। गुड आफ्टरनून, आज हो गया फ्राइडे, तो इस ब्लॉग को मैं कल कंटिन्यू नहीं कर पाई, वहाँ से हम लोग बहुत लेट में घर आए। एक्चुअली बारिश हो रही थी और ट्रैफिक इतना, मतलब इतना ट्रैफिक होता है ना इधर पे, तो इस वजह से लेट हो गए। और फिर जल्दी से आके घर के इतने सारे काम, और मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने इस ब्लॉग को एंड ही नहीं किया। तो कल एक्चुअली हम लोग डॉक्टर के पास दिखा के आए थे नोनू की रिपोर्ट, और नोनू की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। बस उन्होंने ये बोला है कि आयरन की कमी है, तो आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये तीन चीज़ें उन्होंने सप्लीमेंट्स दिए हैं और इसकी वैक्सीन लगनी है, तो कुछ दिनों में हम इसकी वैक्सीन लगाएंगे। तो बस यही अपडेट था, और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, साथ ही चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।